नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबर पर। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार डीसीपी नोएडा के नेतृत्व में पुलिस लाइन सूरजपुर के परेड ग्राउंड पर जनपद की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने पर किसी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने हेतु पुलिस बल द्वारा बल का मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस लाइन के फोर्स आरटीसी रंगरूटों द्वारा दंगा निरोधक उपकरणों का बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया है। पुलिस उपायुक्त द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को टीयर गैस एंड राइट गन व अन्य दंगा निरोधक उपकरणों का अभ्यास कराया गया है। उन्हें हर तरह की परिस्थिति का सामना करने हेतु तैयार किया गया है। दंगे के दौरान घायल पुलिसकर्मियों या आम जनता के लोगों तक मदद पहुंचाने एवं उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का भी अभ्यास वहां मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा किया गया है। ग्रेटर नोएडा जोन के भी सभी स्थानों पर पुलिसकर्मियों द्वारा बलवान मॉक ड्रिल का दंगा निरोधक उपकरणों का अभ्यास किया गया है। एडीजीपी ग्रेटर नोएडा की उपस्थिति में थाना दादरी पर सभी पुलिसकर्मियों द्वारा पार्टियां बनाकर मॉक ड्रिल का दंगा निरोधक उपकरणों का अभ्यास किया गया है। एडीसीपी ग्रेटर नोएडा द्वारा बल्कि सभी पार्टियों के कर्तव्य पर जानकारी दी गई एवं पुलिस पर खड़ा करके उनको ब्रीफ किया गया। इस मौके पर ग्रेटर नोएडा थाना प्रभारी भी उपस्थित रहे। अपने जीवन का, अपनी नौकरी का एक अभिन्न अंग बनाते हुए इसको हमेशा कैंसर, बॉडी प्रोटेक्टर, रबर बुलेट, आंसू गैस, गंदा। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।